हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु बायोलॉजी में। ओके, हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ओके, ये आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते क्या है, है ना, इससे हम लोग जानेंगे। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जो है हमारे ऑक्सिन्स हैं, जिबरेलिन्स है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है ना, तो इन सबको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग बारी बारी से इन सबको पढ़ते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या है, यानी पादप हार्मोन्स होते क्या है। ओके, देखिए यही हमारा प्लांट हार्मोन क्या है। हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस इन विच प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस ऑफ द बॉडी एंड अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, प्लांट ग्रोथ जो है हार्मोन्स जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी के एक पार्ट पे वो बनते हैं और कहीं और भी जाकर वो यूज होते हैं। यानी मान लिया जाए अगर कोई भी हार्मोन है अगर वहाँ ही सिक्रेट हो रहा है, यहाँ सिक्रेट हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा यहीं बनेंगे, हो सकता है कहीं और भी जाकर इनका यूज हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस ऑफ द बॉडी एंड अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि जरूरी नहीं कि है कि अगर यहाँ पर हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो यहीं पर वर्क करेगा। ओके, वो कहीं और भी जाकर वर्क कर सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, यानी जो ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ओके, ज्यादातर इसका नेम जो फेमस है वो है हमारा क्या, फाइटो हार्मोन। ओके, फाइटो का मतलब यहाँ पे प्लांट लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द टर्म हार्मोन वाज प्रपोज्ड बाय स्टार्लिंग एंड द टर्म फाइटो हार्मोन वाज प्रपोज्ड बाय थिममैन। ये जो टर्म है हमारा हार्मोन जो हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ओके, आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, टेंथ में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, है ना। तो ये जो टर्म है हार्मोन उसे दिया था स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने। ओके, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, है ना। तो ये जो फाइटो हार्मोन टर्म है इसे दिया था थिममैन नामक साइंटिस्ट ने। ओके, 1920 में दिया था। ओके, कब दिया था, 1920 में। प्लांट हार्मोन्स जो है वो पांच प्रकार के होते हैं। ओके, पांच हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। पहला है हमारा ऑक्सिन्स। ओके, फिर है हमारा जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड फिर है हमारा एब्सिसिक एसिड। ओके, ये एब्सिसिक एसिड जो है हमारा वो भी प्लांट्स में पाया जाता है। और जिब्रेलिन जो है आप लोगों को कई जगह जिब्रेलिन मिलेगा, जिब्रेलिन एसिड मिलेगा, क्योंकि जिब्रेलिन जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, इनमें एसिड्स का नेचर पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे जिब्रेलिन एसिड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा, अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि ऑक्सिन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, इथाइलिन क्या है और एब्सिसिक एसिड क्या है।